अस्सलाम वालेकुम सभी वर्ष का मेरा बहुत सलाम। कैसे सब दोस्त, ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। जो भाई हमारे प्रदेश में, पाकिस्तान में या दूसरी कंट्री में जहाँ भी बैठे हमें देख रहे हैं, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और हमारे पाकिस्तान की खैर करें। और आज की जो वीडियो है वो बहुत हमारे मोस्ट फेमस उस्ताद एजाज शाह साहब के पास आए हैं और इनसे बहुत सी इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे अपने बारे में और इनके वालिद मरहूम, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। बहुत अच्छे इंसान थे और उस्ताद आदमी थे उस्ताद तकी शाह साहब। तो बाकी आपको शाह जी से मिलवाते हैं, कुछ गुफ्तगू इनसे भी करते हैं, राव साहब से भी करते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन हो सकेगी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। शाह जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सब दोस्तों भाइयों, शौकीन भाइयों को जो यहाँ पे हैं पाकिस्तान में या बाहर मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरे पास नासर भाई तशरीफ़ लाए हैं और अनवारी भाई तशरीफ़ लाए हैं इधर मेरे डेरे पे, जो मेरा थोड़ा बहुत जो भी शौक़ है वो इनको दिखा रहे हैं। और इन्होंने पूछा था मेरे वाला साहब के बारे में, तो एक अरसा दराज से वो शौक़ में थे, तकरीबन 47 साल उन्होंने शौक़ किया। और उनके जो उस्ताद थे वो थे उस्ताद अब्दुल्ला, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं थे। बहुत शौक़ उन्होंने किया उस्ताद अब्दुल का और उस्ताद अब्दुल्ला का, बहुत अरसा शौक़ चलता रहा। और ये शुरू से दो सफ़े दफ़े चली आ रही थी, तीसरी जो इनमें सफदा फाई वो बागी थी, बागी सफदा कहलाई। पाकिस्तान बनने के बाद जो ये दो सफ़े दफ़े थी, जी जी, अहमद शाह वाली सफदा, जो के उस्ताद बिल्ले शाह मरहूम के नाना भी थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और हमारे वाला साहब के उस्ताद के उस्ताद थे, हमारे भी दादा उस्ताद थे। माशाल्लाह जी। मैं लाला फरीद खां साहब का शागिर्द हूँ, जो कि मेरे वाला साहब के उस्ताद भाई थे और उस्ताद अब्दुल्ला के शागिर्द थे। तो उन्होंने भी बहुत अरसा शौक़ किया। ये एक सफदफ में से चार सफ़े दफ़े जो है चली थी, जो कि मेरे वाला साहब के उस्ताद उस्ताद अब्दुल्ला के बाद जो मौलवी इब्राहिम साहब के पास ही, मेरे वाला साहब के पास आई, उस्ताद बिल्ले शाह साहब के पास थी और उस्ताद साहब के पास थी। ये चार सफ़े दफ़े खेलती रहीं यहाँ पे लाहौर में, लाहौरी गेम में इन्होंने अपना अपना लोहा मनवाया और शौक़ किया। माशाल्लाह। तो शाह जी मुझे ये बताएं कि स्टार्ट में जी जी ये दो ही सफ़े दफ़े थी जो आपने बयान की हैं। हाँ जी, हाँ जी। बाकी सारी इनके बाद ही इन बने। हाँ जी, वो ये तीन दफ़ों सफ़ों में से आगे फिर चलती गई, निकलती गई सफ़े दफ़े, उनमें से जो एक पुरानी सफ़ दफ़े वो आपके सर पे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मेरे वाला साहब वाली जो सफ़ दफ़ है वही मेरे पास है, उनकी पग मेरे पास है, मैं उसी घराने में शागिर्द था उस्ताद लाला फरीद खां साहब का। अच्छा। मेरे वाला साहब ने अपने उस्ताद भाई का ही मुझे शागिर्द करवाया था। और मुर्ग लड़ते थे तब चौधरी डीएसपी आसन सलीम के डेरे पे शदरा, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे मैं पीड़ में शागिर्द हुआ था, ठीक है जी। तो तब से मैं, बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं 9th में पढ़ता था जब मैं पीड़ में मुर्ग खड़ा होकर लड़ाने लग गया, मावत नहीं करने लग गया। कितनी उम्र है? मेरी 47 उम्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरी ना आपके वालिद साहब से मुलाकात रही है मजांगा में, उस्ताद हमायों के डेरे पे अक्सर। जी जी, तो बड़ा जिक्र करते थे आपका भी और आपका जी जी, बड़े बड़े अच्छे बंदे हैं हमायों साहब, बिल्कुल अच्छे, और हमायों पहलवान साहब, ठीक है, और बड़े अच्छे शौकीन, बड़े इज्जत करने वाले, बड़े अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल। मेरे वालिद साहब की भी बहुत इज्जत करते थे और मेरे साथ भी उतना ही प्यार करते हैं। वहाँ पे मुलाकात अक्सर रही, आपके वाला साहब बहुत अच्छे इंसान थे। जी जी। और इनकी आपस में दोस्ती भी बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी दोस्ती थी उस्ताद हमायों की और उनकी। जी जी। और काफी अच्छी गुफ्तगू भी, उस वक्त हम तो न्यू थे कमर, यानी के नया शौक स्टार्ट किया था, इतना नहीं पता, लेकिन उस्ताद हमायों साहब ने भी जी बड़ा अच्छा शौक करवाया शौकीनों को, बिल्कुल। और मेरे ख्याल में जो है ना सबसे मेन चीज ही होती है जगह देना, जगह प्रोवाइड करना शौक के लिए सबसे मुश्किल बात है, मुश्किल काम ये। हाँ जी, तो बड़े लोगों को शौक उन्होंने करवाया और उसकी जिम्मेदारी उठा, जिम्मेदारी उठाना और अच्छा शौक करवाना, बिल्कुल, बड़ी जिम्मेदारी आम बंदा नहीं करवा सकता।
तो शाह जी इसी तरह आपसे पूछते जाएंगे कुछ सवाल आगे भी। जी 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 अनवार भाई आप थोड़ी सलाम दुआ कर लें दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम शकीन भरावान नूं, आज असीं शाह साहब को आए हैं जी, बहुत बहुत मेहरबानी शाह साहब जी, उन्होंने बड़ा सानू नहीं जी मेहरबानी आपकी, आप हमारे पास तशरीफ लाए। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ। अच्छा अनवार भाई माइक इधर लगे है, तुसी इधर मुँह करके जरा उच्ची बोलना, समझ रहे हो, उधर आवाज़ नहीं जी आनी। तो अली रजा भाई अनवार भाई हाथ च मुर्ग है, जरा कोल आ कहना शो करवाओ। शाह जी दसना इन बारे तुसी है की शाह है जी? सर पकोया मुर्ग है माशाल्लाह। हाँ जी इंपोर्ट होया चुके ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਰਾਈਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਐ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਥਾਈਲੈਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤਾਂ ਲੜਾਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਕਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਗਲੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਗਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਕਰ ਪਾਊਡਰ, ਕੰਕਰ ਪਾਊਡਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ असल च मेन है कबूतरां च भी बीमारी है कंकर दी, ठीक है ते इन्हां नूं भी इंपोर्टेड मुर्गियां नूं कंकर हुंदी है क्योंकि ਵਲੈਤੀ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਸਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਬਲੱਡ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਕੰਕਰ ਹੋਣ ਦੀ? ਕੰਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੜ ਜੜ ਵਾਲਾ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਕਰ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਲਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਕੰਕਰ ਪਾਊਡਰ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਲਾਲ ਦਵਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਤੀ ਕਰੋ ਗਲੇ 'ਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ 5 ਰੈਥਰੋਸੀਨ, 5 ਲੀਫ ਲੌਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਲੈਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਲੈਤੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ 5 ਲੀਫ ਲੌਕਸ, 5 ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਨ, 5 ਰੈਥਰੋਸੀਨ, 2 ਫਲੈਜਲ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਜਿਕਸ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਚੂੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਣੀ ਜੀ ਇਹ? ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੁਰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਸਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਰਗ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਬੜੀ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅਨਵਾਰ ਭਾਈ ਆਪਕੋ ਕੈਸਾ ਲਗਾ ਇਹ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਔਰ ਬ੍ਰੀਡਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਏਜ ਹੈ ਇਸ ਮੁਰਗੇ ਕੀ ਔਰ ਇਸਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਲੜੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁਰਗਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਲ ਬੰਤਰ ਦੇਰ ਗਰਦਨ ਦੇਰ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਦੇਰ ਇਹਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮੋਟੇ ਨੇ जी इसके बच्चे जी लड़े हैं और अब भी तपनियों में आ गए, हम लड़ाएंगे, तपा रहे हैं इसके बच्चों को, बहुत अच्छे लड़ते हैं, ऊपर ही रहते हैं, ये पी में भी जाके ऊपर ही रहते हैं, लड़ाई में जाके नीचे नहीं आते। आपको किस तरह के मुर्गे पसंद है वलैतियों में?
वलैतियों में लोग तो कहते हैं, कोई कहता काली आंखों वाले हों, कोई कहता लाल आंखों वाले हों। लाल काली आंखों का चक्कर नहीं है ना, कलर का चक्कर है, ब्लड लाइन की बात है। और इनमें जो असील मुर्ग है हमें वही पसंद है, जो ऊपर से नीचे मुर्ग आता है वो हमें पसंद नहीं, जो नीचे से ऊपर तन के चला जाए वो हमें पसंद है मुर्ग। कि नीचे की लड़ाई ना करें, ऊपर लड़ें, लाग लगाएं लेकिन मार दें मुर्ग को, मार से ही मुर्गे टूटते हैं। ठीक है, बर्दाश्त हो, मार हो, असर हो नलियों में। ये मेरे शागिर्द हैं जी, अली रज़ा भाई। ठीक है, अब मेरे बड़े ताबेदार और अच्छे शागिर्द हैं, और ये मुर्गबानी में ज़्यादा हैं, मुर्गबाजी से। अच्छा, मुर्गबाजी का भी शौक़ है लेकिन इन्हें मुर्गबानी का ज़्यादा शौक़ है। इनके पास बड़े अच्छे जानवर हैं पकोए। एक मैं मादी का आपको शौक करवाता हूँ, ये मादी दिखाना। ये इसके भाई मैंने जो तपाए हैं बहुत अच्छे तपे हैं, लड़ भी बहुत अच्छे रहे हैं। ठीक है, ये भी पकोई और ट्राट मिक्स मादी है। हाँ जी, हाँ जी, मुझे ये बताएं चले बातों बातों में। जी जी, ये जो वलैती हैं, जी जी, इनकी हिस्ट्री ज़रा बताएं। आप तो पुराने, आपको सबदा भी पुरानी है। जी जी, कैसे पाकिस्तान में आए? पाकिस्तान में? जी 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 जी, पंजाब में नहीं, पाकिस्तान में कैसे आए, ये थोड़ा बताएं। जनाब, जो जितना नाकसा नॉलेज है हमारा, जितना भी ठीक है, उसके हिसाब से मैं बात करूँगा। हमारे लोग तो बड़ा कुछ कहते हैं लेकिन जो है ना, हमने सबसे पहले ये मुर्ग देखे कराची में, सर जॉन के पास। उन्होंने खुले किल भी इनको लड़ाया, बंदे किल भी लड़ाया। ठीक है, और उनसे भी पहले अंग्रेज़ वाले मुर्ग, सब पुराने शौकीन जानते हैं कि अंग्रेज़ वाले मुर्ग मशहूर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत अरसा पहले के मुर्ग लड़ते रहे हैं इधर पाकिस्तान में। लेकिन जब ये मशहूरी हुई ना, तब सबसे पहले गुजरांवाला में जो है खान होटल वालों ने मंगवाए मुर्ग। जी जी, मेजर मोहिद्दीन गुड्डू और खान साहब ने मिल के मंगवाए, और सबसे पहले ये इम्पोर्टेड मुर्ग हमने हाजी जमील साहब के पास देखे, जो चर्च में वो एक टूरिस्ट आए थे, उन्होंने वहाँ पे मुर्ग देख के तो इनसे बात की। इन्होंने फिर, तब मोबाइल पे वो तस्वीरें नहीं आती थी, रसाले आते थे। ठीक है, और रसाले उन्होंने भेजे, उन्होंने फिर मुर्ग भेजे दो, जो हमारे पास इधर लैस हुए और फिर दुबई जा के लड़े। ठीक है, उसके बाद जो है खां होटल वालों ने और मेजर गुड्डू ने मंगवाए, उनके मुर्ग जो हैं लड़े वहाँ पे। फिर सुबानी भट साहब ने मंगवाए मुर्ग। ठीक है, फिर उसके बाद हामद मंगवाता रहा। हामद ने भी पहले जो उसके मुर्ग विजिट में गया था, 5 मुर्ग खरीदे थे, वो वहाँ पे फंस गए थे, वो भट साहब ने वहाँ से मंगवा के दिए थे। हामद अली अकबर साहब? हाँ जी, हामद अली अकबर, बड़ा नाइस लड़का है वो भी। तो उसने भी पाकिस्तान में जो आम किए हैं ना ज़्यादा, वो हामद अली अकबर ने किए हैं, वो उसने मंगवा के बहुत ज़्यादा सेल किए हैं। ये भी एक शोबा है, 4 शोबे हैं। मैं पहले भी खान साहब के भी चैनल पर बता चुका हूँ कि इसके 4 शोबे हैं, मुर्गबानी, मुर्गबाजी, व्यापार और नमाइश। ये 4 शोबे हैं इस मुर्गों के, असील के। नमाइशें पहले भी फोर्ट्रेस में होती रही हैं। ठीक है, तो वहाँ पे गोरे आके जज होते थे, वो पॉइंट्स देखते थे नस्ल के। अगर मुर्ग मरोह है तो 100% मरोहा हो, ताज से लेके नाखूनों तक, नलियाँ, जिस्म, उसकी शेप, उसके याल, उसका रंग अपनी क्वालिटियों में पूरा हो तो पॉइंट्स मिलते थे। अब तो जो हर बंदा ही वहाँ पे, किसी को पता ही नहीं कि रामपुरी क्या है, अमरोहे क्या है, मेठी क्या है, लसानी क्या है, कुंजपुरी क्या है, किसी को पता नहीं। लेकिन वो पॉइंटों के हिसाब से पीला सलेटा पर मुर्ग भी है तो वो भी नमैशी मुर्ग है। ठीक है जी, तो मुर्ग बानी बहुत दूर की बात है, मुर्गों की शिनाख्त करना, मुर्गों के जोड़े लगाना, 2 नस्लों में से एक नई नस्ल बनाना। नस्ल ये नहीं कि आपने एक मुर्गी मुर्गा लगाया तो कोई पीला निकल रहा है, कोई काला निकल रहा है, नहीं नहीं, एक लड़ाई, एक रंग रूप, एक नली, एक शक्ल। वो आगे क्रॉस भी डालें तो शक्ल शेप एक हो, वो नस्ल है। ये नस्ल? हाँ जी।
वो मुर्ग बानी है। ये शाही कितना अरसा पहले की बात कर रहे हैं, जब आप ये वो बात कर रहे जोन साहब की, कितने साल पहले की बात? ये तकरीबन जो है मैंने वो मुर्ग देखे 30 साल पहले। 30 साल पहले? हाँ जी, जब यहाँ पे इम्पोर्टेड मुर्ग, कोई आम नहीं, किसी को नहीं पता था कि थाईलैंड भी कोई मुर्ग हैं, कि पाकिस्तान के अलावा इंडिया के अलावा और भी कहीं शौक होता है। शौक तो बहुत से मुल्कों में होता है, लेकिन यहाँ पे अनलीगल है, वहाँ पे लीगल है, फ़र्क ये है। तो जहाँ पे लीगल होगा वहाँ पे फ़रोग भी ज़्यादा होगा। हम कहते हैं हम में फ़न ज़्यादा है, नहीं, मुर्गबानी में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। नहीं, वो बहुत आगे हैं। शाह जी, मैं ना एक छोटी सी बात उसके पे वीडियो में क्रॉस करूँगा, ये जी, तो दूसरे पार्ट की तरफ हम जाएंगे। जी जी, तो उसमें आपसे कुछ इलाज वगैरह पूछूंगा। जी, आपके वालिद साहब ने कितना अर्सा शो किया था? 47 47 साल। और आपको कितनी देर हो गई? मैं शौक तो बचपन से ही करता रहा हूँ ना, मैंने क्रिकेट खेली, ना फुटबॉल खेली, ना हॉकी खेली, ना बंटे अखरोट खेले, मुर्गों के साथ ही खेला हूँ जब से आँख खोली है। घर में मैं मुर्गों के साथ ही, सबसे छोटा था तो वाला साहब प्यार भी बड़ा करते थे मुझसे, उन्हें बहुत मोहब्बत थी, और मैं हम शौक भी हो गया, दोस्तों की तरह भी था, हम इकट्ठे शौक में भी जाते थे, तो शुरू से इनसे ही खेला हूँ। तो अनवर भाई, आपको शाह जी का शौक कैसा लगा? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा शौक है शाह जी का, और बहुत पुराने कुकड़बाज ने जी, माशाल्लाह बड़ी गलत दसियां ने, बहुत बरीकी वाली गल, बहुत कुछ जानते हैं जी, सीनियर ने, बहुत पुराने शकीन ने, बहुत अच्छे जानवर हैं शाह साहब, ब्रीडर भी और फाइटर भी। और मजीद अगर शौक दिखाने और भी शेयर करने इस वीडियो का दूसरा पार्ट बनाने, इस पार्ट के इजाजत मंगने और काफ़ी मजीद मुर्गे ने, देखो इंशाल्लाह शाह जी का शौक है, अगली वीडियो तक शेयर करें, नाल गुफ्तगू भी करें। अल्लाह हाफिज़।